दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों नवरात्रि उपाय की श्रृंखला में अब बारी है शत्रु नाशक उपाय, शत्रु पर विजय प्राप्ति के लिए उपाय। आज नवरात्रि में एक विशेष उपाय आपको करवाएंगे। नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते रहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पीछे आपकी कंपनी में या आपके कार्य क्षेत्र में लोग षड्यंत्र करते हैं, आपको लगता है कि आपके गुप्त शत्रु बहुत हैं और आपको लगता है कि आपके पीठ पीछे वार करने वाले, चुगली करने वाले लोग बहुत हैं, आपको पीठ पीछे खंजर भोंकने वाले लोग बहुत हैं और नौकरी में, कंपनी में प्रमोशन ना होने की वजह कोई दूसरा है, कोई तीसरा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए शत्रु का रोल निभा रहा है, ट्रांसफर नहीं होने दे रहा है, प्रमोशन नहीं होने दे रहा है या कंपनी में जॉब ढंग से करने नहीं दे रहा है और आपके स्टाफ में आपके साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं लोग, तो उपाय आपके लिए है। किसी का बुरा नहीं होगा इस उपाय से, लेकिन आपके लिए बेहतर जरूर होगा, इसलिए निसंकोच ये उपाय कर सकते हैं आप। मुकदमे में विजय प्राप्ति या किसी भी प्रकार से कानूनी उलझन से परेशान हैं, कोई भी कोर्ट कचहरी में झंझट, कोई विवाद चल रहा है, उसकी शांति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय बेहद चमत्कारी उपाय है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, लोग बहुत ही श्रद्धा विश्वास से इस पाठ को करवाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती सबसे बड़ा तंत्र है, सबसे बड़ा, यहाँ पर हर प्रकार का तंत्र, हर प्रकार के तंत्र की काट है। दुर्गा सप्तशती में मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन और हर प्रकार की विद्या है, यहाँ तक कि मृत संजीवनी विद्या भी है। ये बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। दुर्गा सप्तशती से बहुत लोग, नेता, अभिनेता, हर प्रकार के लोग इसका पाठ करवाते हैं। सतचंडी, सहस्त्र चंडी, इसके अनुष्ठान होते हैं, विशेष लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में, लखचंडी अनुष्ठान में लाखों ब्राह्मण इसका अनुष्ठान करते हैं और इस ग्रंथ से अद्भुत लाभ प्राप्त करते हैं लोग, तभी तो इसका अनुष्ठान लोग बड़े धूमधाम से करवाते हैं। इसी का अनुष्ठान का आयोजन हर प्रकार की मनोकामना के लिए होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी प्रकार से आप भी इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो जाएं, आप भी ये अनुष्ठान करवाने के इच्छुक हैं, अगर आपके मन में भी ये भावना है कि आप किसी प्रकार से ये अनुष्ठान करवा लें और अपनी समस्या का निदान करा लें, किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, तो आप निश्चित रूप से करवा सकते हैं इस अनुष्ठान को। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन आप करवाएं, अपने घर पर करवाना चाहते हैं पंडित जी के द्वारा, तो आप आस पड़ोस में अपने जानकारी में पंडित जी के साथ संपर्क कर सकते हैं या हमारे द्वारा भी किसी अच्छे विद्वान पंडित जी को आप अपने घर पर बुलवा सकते हैं, अथवा आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। अगर ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, विशेष करके ऑनलाइन जो हमारे यहाँ पर आयोजन हो रहा है दुर्गा सप्तशती का, चंडी पाठ का, उसमें अगर आप करवाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर और अपनी बुकिंग सुनिश्चित करवा सकते हैं व्हाट्सएप पर चैट करके, ठीक है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, इस पर वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सएप करके वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं। पूरी विधि बताइए कैसे आप बुक कर सकते हैं चंडी पाठ के लिए। अब यहाँ पर हम उपाय बताते हैं शत्रुओं के नाश के लिए, शत्रुओं के विनाश के लिए, शत्रु पर विजय प्राप्ति के लिए उपाय क्या होता है। उपाय आपको बहुत ही सरल उपाय देंगे, एक लाइन का एक श्लोक है और ये दुर्गा सप्तशती का ही श्लोक है और बहुत जल्दी माता रानी इससे प्रसन्न हो जाती हैं। माता रानी हर प्रकार का संकट दूर कर देती हैं और अच्छे से अच्छे व्यक्ति, चाहे कितने ही खतरनाक व्यक्ति हों, उन्हें आपसे दूर कर देती है और किसी प्रकार का ना उन्हें नुकसान होता है और आपको लाभ हो जाता है। तो ये उपाय क्या है, उपाय है ये मंत्र, ये श्लोक लिखिए, ओम स्वल्पई रहो भिर निपते स्वम राज्यम प्राप्स्यते भवान। ये मंत्र आप अच्छे से इसे पढ़ करके, याद करके, फिर इस मंत्र की आप रोजाना 21 माला जप कीजिए। 21 माला इसकी रोजाना कमलगट्टा की माला या रुद्राक्ष की माला से कीजिए। यकीन मानिए 9 दिन, ये नवरात्रि अभी आ रही, चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल से 21 अप्रैल, इसमें कर लीजिए। आगे किसी नवरात्रि में अगर वीडियो देख रहे हैं उसमें कर सकते हैं, बहुत विशेष लाभ मिलेगा आपको।
आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।